हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ जीडीएनटी की सीरीज में सर्कुलरिटी। बहुत सारे कमेंट आए थे, सर जीडीएनटी में सर्कुलरिटी बताओ क्या होती है, राउंडनेस क्या होता है। सर्कुलरिटी राउंडनेस एक ही चीज है तो भी पूछते हैं। कोएक्सिलिटी कंसेंट्रिसिटी में क्या अंतर है, जबकि वो एक ही जैसे टर्म है ना। जो एक जैसे लगने वाले टर्म्स हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से उनमें डिफरेंस होता है, क्या उनमें कनेक्शन होता है, किस तरह से हम अगर रनआउट को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो क्या हमारी कंसेंट्रिसिटी भी कंट्रोल होगी, क्या उसके साथ सर्कुलरिटी भी कंट्रोल होगी, स्ट्रेटनेस कंट्रोल होगी, अगर सिलेंड्रिसिटी एंड जो आपकी सर्कुलरिटी है उसमें क्या अंतर है, ये सब चीजें बहुत सारे सवाल है। तो जीडीएनटी की एक डेप्थ में मैं सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको सब कुछ बताऊंगा, टोटल चीजें। अगर आप ये चाहते हैं कि जीडीएनटी की एक सीरीज आपको ऑलरेडी मिल जाए, अभी आप ड्रॉइंग सीखना चाहते हैं, सारी चीजें आपको एक ही जगह पे चाहिए, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे हमारे एप्लीकेशन पे। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी, जस्ट क्लिक करना और मुझे मैसेज करना। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं शुरू करता हूँ। सर्कुलरिटी क्या होती है, सर्कुलरिटी क्यों इसकी नीड पड़ती है, किस तरह से हम चेक कर सकते हैं डायल से, सीएमएम से तो हो सकता है, डायल से हम किस तरह से इसको चेक करेंगे, प्रैक्टिकली आज मैं आप लोगों को ये सब बताने वाला हूं। बात करें जीडीएनटी की, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं उनको बता दूं, जीडीएनटी की जो फुल फॉर्म होती है ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, ठीक है, और सर्कुलरिटी जिसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ये जो सिंबल है भाई, ये सिंबल सर्कुलरिटी का, मैं स्टार्ट करता हूं इसको। बात करें इसकी डेफिनेशन की, यहां पे दे रखा, देखिए, सर्कुलरिटी इज ए 2D टॉलरेंस। ये एक 2D टॉलरेंस है, 2D बोले तो टू डाइमेंशनल, हिंदी में बोले तो द्विविमीय, ठीक है, दैट मेजर हाउ क्लोज एन ऑब्जेक्ट टू ए परफेक्ट सर्किल। एक परफेक्ट सर्किल क्या होता है भाई, एक परफेक्ट सर्किल होता है जो बिल्कुल 360 डिग्री का हो, जैसे कि ये है, किस तरह का, बिल्कुल इस तरह का, बिल्कुल राउंड 360। मैंने जो बनाया ये देखिए, एक ये ऊपर रेड कलर का है, ये राउंड है या फिर ये है, इसका क्या है आपका, इसमें थोड़ी बहुत, ये एक परफेक्ट सर्किल से ट्रू नहीं है। तो ये जितना जो वेरिएशन होगा वो ही इसकी क्या होगी, सर्कुलरिटी को हमें कंट्रोल करना होता है। सर्कुलरिटी होती है परफेक्ट सर्किल से कितना वेरी कर रहा है, कुल मिला के बात ये है, यही इसकी डेफिनेशन है। आप इंटरव्यू में पूछे तो आप सिंपल बता सकते हैं, जो एक परफेक्ट सर्किल होता है 360 डिग्री जो होता है उससे कितना क्लोज है, ठीक है, कितना क्लोज है, बिल्कुल 360 है, पूरा बिल्कुल 360 बना तो उसकी सर्कुलरिटी क्या होगी, 0-0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जीडीएनटी में सर्कुलरिटी आल्सो नोन एज राउंडनेस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरव्यू में, आपको इंटरव्यूअर बोल देगा ऑपरेटर या फिर सेटर के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्रामर भी, हालांकि वो टर्म्स वो यूज करते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है, तो टेक्निकली पूछ लेता है कि भाई राउंडनेस क्या होता है, तो आप उनको बोल सकते हैं सर राउंडनेस एंड सर्कुलरिटी एक ही चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें आपको बताऊं, यहां पे देख सकते हैं इस तरह से, ये हमारा पार्ट है, देखिए सर्कुलरिटी क्या होगी एक परफेक्ट सर्किल से, जैसे आपको टॉलरेंस दे दी गई 0.03 में सर्कुलरिटी कंट्रोल करनी है तो क्या होगा, एक टॉलरेंस जोन बनेगा, ये रेड कलर में दिख रहा है, रेड कलर में तो हमारा पार्ट है, इसमें यहां पे देखिए ये 30 माइक्रोन का, ब्लू कलर आप देख रहे हो, ये 30 माइक्रोन का क्या है, ये 30 माइक्रोन का टॉलरेंस जोन है। मैं कमेंट से आपको बताता हूं, ये जो देख रहे हो आप 30 माइक्रोन, ये क्या है, टॉलरेंस जोन है। ये सामने फ्रंट व्यू है, इसके साइड व्यू में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसके अंदर सर्कुलरिटी आप चेक करेंगे तो एक परफेक्ट सर्किल की 30 माइक्रोन की, देखिए 30 माइक्रोन अगर दिया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसी टॉलरेंस जोन में होना चाहिए। अगर ये सर्किल ऐसे बन जाता, 30 माइक्रोन ज्यादा नहीं होता दोस्तों, अगर आप आंखों से देखेंगे तो ये इतना टेढ़ा मेढ़ा आपको नहीं दिखेगा, 30 माइक्रोन में पता ही नहीं चलेगा आपको, आपको एक परफेक्ट सर्किल ही दिखेगा, लेकिन जब आप डायल लगा के चेक करेंगे, सीएमएम से चेक करेंगे, तब पता चलेगा
कि वो उस टॉलरेंस जोन में है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये यहां से आप विजुअलाइज करके समझ सकते हैं ड्राइंग में किस तरह से दिया जाता है। जो हमारी ड्राइंग है उसमें आपको ये इस तरह से मिलेगा, ये सिंबल ये दे देगा, ये आपका पार्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट, ये देखिए यहां पे इसके थ्रू डायमेंशन लाइन के थ्रू बता रहे क्या कह रहा है, लीडर लाइन है ये, लीडर लाइन के थ्रू क्या बोल रहा है, ये जो बॉक्स है ना दोस्त, इस बॉक्स को बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम, जो कि कोई भी फीचर की डिटेल हमको बताता है। तो ये सर्कुलरिटी जो इसकी होगी 0.03 इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई इसकी डेफिनेशंस, और साथ ही में आपका हो गया कि किस तरह से सिंबल दिया जाता है, राउंडनेस और सर्कुलरिटी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, पता चल गया। चेक कैसे करते हैं बताता हूं। सर्कुलरिटी आप कई तरीके से चेक कर सकते हैं, सिंपल मेथड आपके पास है, मान लो आपके एक बड़ा पार्ट है, छोटा पार्ट है तो एक सिंगल वी ब्लॉक पे लग जाएगा, बड़ा पार्ट है तो दो वी ब्लॉक लीजिए उस पर रख दीजिए, डायल लगाइए, डायल में प्रेशर सेट कर दिए 0.0, उसमें 0.1 या फिर 0.1 तक का आप प्रेशर देके और 0 पे डायल को घुमा के सेट कर दो। उसके बाद इस पार्ट को हाथ से धीरे धीरे गोल गोल घुमाओ, जितना डायल में वेरिएशन होगा वो क्या होगी इसकी सर्कुलरिटी। देखिए किस तरह से, ये देखिए पार्ट रख दिया, डायल में 0 सेट कर दिया, जैसे आप घुमा रहे हैं देख रहे हो इसमें आ रहा है 0.1 का वेरिएशन आ रहा है, तो सर्कुलरिटी कितनी हो गई 0.1 में। 10 माइक्रोन का डायल है, यहाँ पे देखिए लिस्ट काउंट इसकी दी हुई है, यहाँ पे दिख भी रहा है, लिस्ट काउंट के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप समझ गए। तो इस तरह से घुमाएंगे जितना डायल में वेरिएशन आया, तो इसकी जो इस पार्ट की सर्कुलरिटी की अगर मैं बात करूँ तो कितनी है 0.1। अगर 0.1 इसकी मांगी है ड्रॉइंग में, 0.1 दिया हुआ है टॉलरेंस, तब तो पार्ट है ओके, अदरवाइज ये पार्ट सर्कुलर नहीं है तो टॉलरेंस से बाहर जाते हैं, आपका पार्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वीडियो मेरे ख्याल से अच्छी लगी होगी, अगर ऐसे वीडियो चाहिए और इस वीडियो में मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, आपको क्या अच्छा लगा ये कमेंट करके मेरा मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिनको ऐसे वीडियो की जरूरत है उनको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।